आज का व्लॉग इसके लिए सब खाना है हेलो गाइस, आज का व्लॉग इसके लिए सरप्राइज। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? किसकी? गलत जवाब। हम लोग जा रहे हैं नागपुर ताजबाग। सच बताना, पता था कि नहीं पता था पहले से? हम लोग अभी निकलना है भोपाल से नागपुर ताजबाग। कल ईद में ही मनाएंगे। कैसा लगा सरप्राइज? कैसा लगा सरप्राइज? एकदम बेकार। सच बोलो। अभी अपन निकल रहे हैं तेलंगाना, नहीं जनसंपर्क एक्सप्रेस से, जो भोपाल से छूट के डायरेक्ट निकलेगी नागपुर, सुबह 7 बजे पहुँचा देगी। तो इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आ रहे हैं, ट्रेन आने वाली थोड़ी देर में। और इसके लिए सही में सरप्राइज था वो। हाँ, इसको नहीं पता। नहीं बेटा, बच्चों को नहीं देता मैं। जाऊँ गलत जगह आ गए अपन लोग। आगे से चलना पड़ेगा अपन को, जहाँ से बाहर निकलने का नहीं, उस तरफ से होगा बाहर निकलने का। चलो हाँ चलें भाई, बाहर निकलना इस तरफ से नहीं होगा। हाँ है ना, आगे वाले। चलो आगे वाले ग्रुप से। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, सुबह हो रही है और रात के 12 बज रहे हैं और अभी ताजबाग में एंट्री करी है और बिल्कुल ऐसी खुशबू आ रही है तो सुबह हो रही हो। और यहाँ पे खुशबू जो आ रही है इतने की महक, यहाँ का मार्केट देखो पूरा ओपन है। अभी 12 बज रहे हैं, डेली आला ही कल ही थे, डेली बंद हो जाता है मगर अभी ऑन है। भाई कल सुबह भोपाल में थे, शाम को और रात हम आज ताजबाग में हो रही नागपुर में। रात के 12 बजे 6 बजे वहाँ से निकले थे और ये रहा चारों तरफ का भी नज़ारा जिस तरीके से हो रहा। हमें एंट्री गेट 600 रुपये पंखे वाले का, एक कूलर वाले का 1200 रुपये और एसी का शायद 1500 कुछ रुपये। तो 600 रुपये में कोई महंगा नहीं, डबल लोगों के लिए मिल गया। तो भाई इससे सस्ता और क्या चाहिए, वो भी ताजबाग में कहीं घूमना है। वो होटल भी काफ़ी अच्छा है बाहर से देखने में, बिल्कुल मतलब जो आर्किटेक्चर ताज बाग का बना हुआ है बिल्कुल वैसे भाई ने बना के रखा है। ये देखो पूरा आर्किटेक्चर वैसे ही बना हुआ है और कलर भी सेम वही है, येलो एंड डार्क येलो। और कुछ इस तरीके से रूम दिखाता हूँ मैं आपको। ये कुछ हमारा रूम है, यहाँ से अपने घर भी चालू हुआ है बटन। और रात रुकने के लिए वैसे काफ़ी सही है यार, 600 रुपये में। और सामने कुछ ये दिख रहा है ताज का, मतलब हमारे ताज बाबा की दरगाह देख सकते हो, वो मीनारा दिख रहा है। ये अगर नहीं होता तो जस्ट सामने ही दरगाह दिखती, बाकी काफ़ी अच्छे है। दो लोगों के हिसाब से बहुत सही चीज़ है यार, ये तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मिलते हैं कल सुबह डायरेक्ट नमाज के टाइम पे और बाकी मिलकर बात करेंगे। ताज बाग फर्स्ट टाइम गाइस, ईद की नमाज में कहीं और, मतलब महाराष्ट्र में पढ़ रहा हूँ ताजबाग में। हाँ तो गाइस, आज दूसरा दिन अपन ने पढ़ी ईद की नमाज सुबह सुबह।
और अभी ये देखो कुछ दिखाऊंगा। हाँ यार गेट खुल गया सच में। हाँ सामने गाय और दरगाह है और जस्ट उसके सामने अपन ने होटल लेकर रखा है। ये देखो अलम दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे और उसके जस्ट बीच पे है नमाज हुई अभी ईद की। सामने आपको बहुत भीड़ दिख रही होगी और ये यहाँ पर कुछ रेन वसेरा टाइप का बना के रखे हैं ताज बाबा के ट्रस्टों ने। तो मिलते हैं सीधे दरगाह पे जाके, जा रहे हैं अभी देखते हैं वहाँ पर कैसा क्या माहौल है। सुबह के बज रहे हैं कितने, 9:15 हो रहा है टाइमिंग। तो मिलते हैं और बताते हैं फिर कैसा रहेगा, आप लोग बने रहना तब ब्लॉग में। और कुछ रूम इस तरीके का था। अब जा रहे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखो बहादुर शाह ताज वाले बाबा के घोड़े की दरगाह ये है। यहाँ पे हर चीज़ की दरगाह बनी हुई है। ये उनके घोड़े पे जिस पर सवारी करते थे उसकी मजा रही है। और आगे अभी आप लोगों ने दिखाया था मैंने दूधिया कुआं था, उसमें मतलब नहाने वगैरह का पानी रहता। बाकी यहाँ पे भी कुछ की हैं दरगाह, वो पता नहीं किस बारे में है, तो और पता करते हैं फिर देखते हैं। पहले तो हम लोग जाएँ अपने सामान के पास, मन्ना सामान लाया बुझाए, यहाँ से डर लगता है। वहाँ पे भी एक कुआं है या कुछ होगा, संदल वगैरह का सब जगह पे। सैयद दी बाबा लोभान छूटा ना भाई। अब देखो नज़ारा शाम के टाइम को, हजरत बाबा सैयद निशान अली शाम का देखो कितना प्यारा हो रहा है। बाजू में मस्जिद है और अभी आप यहाँ पे फातिया हुई है, तवर बहुत बढ़ रहा है, लाइटें ऑन हो गई अब सामने डिस्प्ले पे। माशाल्लाह इधर ही चलेंगे ना सीधे अपन, हाँ यहीं पर रख दो। यहाँ से भी चले एक काम करते हैं ना अपन, बच्चे को ढूंढता शाम का टाइम को है भाई। और ये खड़ी उनकी बग्घी इसमें माश। क्या कर दोनों तरफ से, तुम तो हाथ में पकड़ लो तो उस तरफ जाके छोड़ जाओ उसको। लो मेरे भी जूते ले आ लो, मैं इधर से चले आता हूँ सामान के पास। चप्पल जूते उतार दो वहाँ पे ले आ लेती, यहाँ से पास पड़े उस तक आगे घूम ले जाओगे। अरे दोनों हाथ में रख ले, तो मैं जा रहा हूँ सामान के पास, तुम ले जाना। ये पगी भाई सुबह से बारिश हुई शाम को और जो मौसम अभी हो गया बहुत ठंडा। ये देखो सामान के पास जाए अभी, लाइट वगैरह चालू होने बाद कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है भाई। और बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा है, हम भी लग रहा है यहीं पे बैठे रहो, शाम हो गई क्योंकि पानी गिरा था उसके बाद ठंडा हुई भाई नहीं। सुबह तो ये सतप रहा था यहाँ पे पूरा, चारों तरफ से वहाँ पे अलम लगे हुए हैं, उस तरफ में मस्जिद का भी बहुत प्यारा नहीं आ रहा और जो इस तरफ से आया हुआ व्यू वो भी बहुत प्यारा होगा। ये सिर्फ आपके लिए, घर बैठे बाबा की ज़ियारत कर लो आप और फुल वीडियो वॉच करो। मिलते हैं आगे। शाम का टाइम है अभी, 6:30 होने वाला है। और यहाँ का व्यू चेक करो, थोड़ा पानी गिरा, थोड़ा क्या बहुत तेज धुआंधार पानी गिरा था और उसके बाद का कुछ ये व्यूज़ है।
मौसम इतना प्यारा हो गया भाई, क्या बताऊँ। सुबह और ऐसा तप रहा था यहाँ का, लग जैसा लिया भाई बिल्कुल जैसे मदीने की गलियों में घूम रहा। मार्बल लगे हैं चारों तरफ, मस्जिद हैं, दरगाह हैं, मस्जिद उस तरफ तो बहुत ब्यूटीफुल है। आपने भी देखी होगी पहले वाले शॉट में, अभी डाल दूँगा उसके बाद और बताता हूँ। मिलते हैं आगे। अलविदा, अभी हम लोग निकल रहे हैं ताजबाग से वापस, और जो था बहुत अच्छा था, मोमेंट थे। सुबह से यहाँ पे हम लोग कहीं नहीं गए इसके अलावा। सुबह कितने 6:30-7 बजे नमाज़ पढ़ी, उसके बाद से यहीं पे बैठे हुए थे, और फिर दोपहर में थोड़ा सा रूम पे गए थे, रूम के बाद वापस। अब जा रहे हैं वापस, निकलते हैं यहाँ से, अल्लाह हाफिज़। पूरे दिन काफ़ी मज़ा आया, दिन कब चला गया पता ही नहीं चला। हाँ तो गाइस, हम लोग आए थे नागपुर, नागपुर से अब ट्रेवल होने वाला हमारा वर्मा बस में नागपुर टू भोपाल। यहाँ की सेकेंड सीट है, बहुत ही गाड़ी लग रही है अंदर से, कुछ बस इस तरीके से है वो, और हमारा ये है ऊपर बैठ 3 and 4U। और मतलब अंदर से बस, बाहर से तो बहुत ख़राब लग रही है, अंदर से बहुत शानदार चीज़ें हैं। और टोटल यहाँ पे स्लीपर सीटीज हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 4-2-4-1 ऐसा है। ये नीचे वाला कुछ बर्थ है, और ये हमारा ऊपर वाला बर्थ है, मतलब बैठने का सलाम होने का जो मज़ा है अलग ही है। सब जगह ऐसी है सेम, जिसमें आने वाला बहुत मज़ा। अभी देखते हैं, हालांकि बर्मा की बसें सारी अच्छी होती है, मुझे लगा था 4-10 सीटर आएगी, मगर ये 4-6 सीटर ही है। हाँ तो भाई, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे यहाँ का, मगर इसमें सबसे बेकार चीज़ है, हम लोगों को टीवी नहीं मिली। इधर टीवी लगी हुई है, हमारे पास में टीवी नहीं है इधर पे ना इस तरफ है कि, बाकी बस अच्छी है, साफ़ सफाई मिली। यहाँ पे हमें एक ब्लैंकेट मिला है, ये ओढ़ने के लिए 2 ब्लैंकेट है 2 सीटों के अलग अलग, और काफ़ी अच्छी है। देखते हैं भोपाल का सफ़र कैसा होता है इसमें, और बताते हैं आप लोगों को, बने रहना साथ में। हालांकि अभी तो अच्छा है, यहाँ पे विंडो है, ये बाहर का सफ़र कैसा रहेगा देखते हैं। हालांकि सो भी आ रहेगा, मज़े लगे, मिलते हैं।